दोस्तों, हम सभी चाहते हैं ना कि हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली ग्लो करे। उसमें किसी भी तरीके के दाग, धब्बे, झाइयां, फुड़िया, फुंसी ना हो, है ना। आज मैं आपको सिखाऊंगी कपोल शक्ति विकासक क्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कपोल शक्ति यानी आपके पूरे फोरहेड रीजन पर, पूरे चेहरे पर ये अभ्यास ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, जो प्रमोट करता है नेचुरली ग्लोइंग स्किन को। और जो ये अभ्यास आज मैं सिखा रही हूँ ना, इसका जो इफेक्ट है, इसके सिर्फ बेनिफिट चेहरे तक सीमित नहीं है, बल्कि जो साधक इसका अभ्यास निरंतर करता रहता है, वो दीर्घ आयु बनता है। चेहरे पर फुड़ियाँ, फुंसी, झाई, जो समय से पहले एजिंग के इफेक्ट आपके चेहरे पर दिखते हैं, वो नहीं दिखते। जिन भी लोगों के मुंह से बड़ी दुर्गंध आती है, बदबू आती है, उनको भी इसका अभ्यास करना चाहिए। मुंह में प्रॉपर सलाइवा सिक्रीट होता है, जिससे मुंह की बदबू तो दूर होती ही होती है, साथ ही आपके मसूड़े, आपके दांत मजबूत होते हैं और डाइजेशन को भी ये प्रमोट करता है। आपके आँख, नाक, कान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उनको दूर भगाता है। साथ ही इसके अभ्यास से आपकी भूख और प्यास को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जिन भी लोगों को हाइपर एसिडिटी की समस्या है ना, उनको भी इस अभ्यास से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। साथ ही इसके अभ्यास से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो स्ट्रेंथन होती है। आपके फेफड़ों पर इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट भी करता है और साथ ही बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करने का भी काम करता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हेडेक रहता है, सिर में दर्द रहने की समस्या है, समय से पहले आपके बाल जो हैं पक रहे हैं, झड़ रहे हैं, बालों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, उसमें भी कपोल शक्ति विकासक क्रिया आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली क्रिया है। तो ये तो थे कुछ बेनिफिट्स। अब जान लेते हैं सावधानियाँ कि किन लोगों को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जिनको चक्कर आता है या सांस रोकने में परेशानी है, दिल के मरीज हैं, कार्डियक कंडीशन है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, लेकिन आप घबराइए नहीं। इस वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग किस तरीके से कुछ अल्टरनेट प्रैक्टिसेस हैं जिसको करके आप स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस परिवार का अटूट हिस्सा भी बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कपोल शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करने से पहले कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं, ताकि आपको सारे के सारे स्टेप्स जो हैं अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। साथ ही जो लोग बिगनर हैं, वो भी इसका अभ्यास अच्छी तरीके से सीख लें। ठीक है, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लिया, आंखों को बंद कर लिया, मुंह का चोंच बना लिया, जैसे कौवे की चोंच होती है ना, पाउट होता है, उस तरीके से चोंच बना लें ऐसे। और फिर इसके बाद मुंह से सांस को खींचेंगे और फिर उसको नाक से सांस को छोड़ देंगे। देखिए, सिंपल पहले अभ्यास करते हैं, कोई ब्रेथ रिटेंशन अभी नहीं कर रहे हैं, सांसों को नहीं रोक रहे हैं, ऐसे चोंच बनाया, खींच लिया सांसों को और फिर उसके बाद सांसों को धीरे से अपनी नाक से छोड़ दिया। तो ये अभ्यास, इसमें ब्रेथ रिटेंशन नहीं की है। इस अभ्यास को ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कार्डियक कंडीशन वाले लोग भी इसका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं, या रीसेंट कोई सर्जरी हुई है वो भी इसका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। सांस लेंगे मुंह से अब अपनी ठुड्डी को गर्दन की जो ये वाली हड्डी है ना, यहाँ पर ड्रॉप करेंगे ऐसे, और जितनी देर तक भी सांस को आसानी से रोक सकते हैं रोकें, फिर धीरे से चेहरा ऊपर करें और नाक से सांस को छोड़ दें। हार्ट कंडीशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, चक्कर आने की जिनको समस्या है, साथ ही सर्वाइकल जिनको पेन है, वो इस तरीके से गर्दन को लॉक कर सांस ना करें और सांसों को बहुत देर तक रिटेन करने का कोशिश ना करें। जो मैंने शुरू में अभ्यास बताया, सिर्फ उतना अभ्यास करें। कुछ दिनों का अभ्यास जब आपका ऐसा हो जाए तो फिर उसके बाद तो मुँह से सांस लेंगे,
ली हुई सांस को मुंह पे भर लेंगे। अब इस सांस को धीरे से अपनी नाक के थ्रू बाहर निकालेंगे, मुंह की सांस को मुंह से ही बाहर। फिर से मुंह से सांस लें, आंखों को बंद कर लें। छोड़ दें सांस को नाक से। अब ये सारी प्रिपरेशन हमने इसलिए आपको सिखा दी ताकि आप कहीं भी कोई भी चूक ना करें टेक्निक को समझने में। अब मैं आपको सिखा रही हूँ कपोल शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको देखना, अच्छी तरीके से सीखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी सारी उंगलियों के जो टिप्स हैं उसको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। दाहिने हाथ की उंगलियां और बाएं हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ मिलाएं और फिर उसके बाद दोनों हाथ के अंगूठे से अपने नाक को बंद कर लें और चेहरे को छत की तरफ ऐसे उठाएं, बहुत पीछे नहीं उठा दे रहे, ऐसे हल्का सा स्लाइटली ऐसे कि छत की तरफ बस देख रहे हैं। अब मुंह से पाउट बनाना है, चोच बनाना है और मुंह से सांस लेनी है। ली हुई सांस को गालों पर भर लें और अब अपनी चीक को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप कर लें, गालों को फूला रहने दें। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें, गाल को पिचका दें और चेहरे को उठाएं, नाक से सांस को छोड़ दें। तो कैसे किया अभ्यास? मुंह से सांस लिया, नाक को बंद किया, गालों पर पूरी हवा भर ली ताकि गालों पर वो स्ट्रेच महसूस हो, फिर चिन को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप कर लिया, सांसों को रोक के रखा, रोक के रखा, रोक के रखा, फिर उसके बाद धीरे से अपने चेहरे को उठाया, गालों की सांस जो है वो पूरी की पूरी नाक से छोड़ दी या मुंह से छोड़ दी और दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लिया। ठीक है, फिर से उसके बाद अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ा, चेहरे को हल्का सा स्लाइटली छत की तरफ उठाया, नाक को बंद कर दिया, मुंह से कौवे की तरह चोंच बनाई, मुंह से सांस लिया, पूरी सांस को मुंह पर रोक के रखें। हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें, चेहरे को उठाएं और नाक से सांस को छोड़ दें। चलें, दो बार और अभ्यास करके बताती हूँ। दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा, दोनों अंगूठों से नाक को बंद किया, मुंह से सांस लिया, एक बार जब अभ्यास कर लें तो उसके बाद कुछ देर शांति से बैठें, 10 सेकंड 30 सेकंड शांति से बैठें और इस अभ्यास के इफेक्ट को महसूस करें, जानें। तो आपने देखा, जब आप ब्रेथ रिटेन कर रहे थे, गालों पर सांस भरी थी, तो इसका इफेक्ट आपकी आंखों पर, आपके गर्दन पर, आपके गालों पर, कान पर, नाक पर, पूरे चेहरे पर आ रहा था, जो कि मदद करेगा चेहरे पर वो प्राकृतिक ग्लो, प्राकृतिक तेज डेवलप करने के लिए। तो अभी हमने जो रेशियो में अभ्यास किया वो था 4 काउंट तक इनहलेशन,
16 काउंट तक सांसों को रोकना और 8 काउंट तक सांसों को बाहर छोड़ना। जैसे जैसे आपका धीरे धीरे अभ्यास और अधिक अच्छा होता रहे, तो जो 16 काउंट तक सांसों को रोका उसको और अधिक लंबी अवधि के लिए आप कर सकते हैं। 32 टाइम्स तक सांसों को होल्ड करके रखा, काउंट्स तक होल्ड करके रखा, 32 काउंट्स तक होल्ड करके रखा और उसको जितनी देर तक सांसों को छोड़ सकते हैं छोड़ के रखे। देखिए, इनहलेशन और एक्सहलेशन तो रिस्पायरेशन की जो एक्टिविटी है वो होगी, जब आप सांस लेंगे तो उसको छोड़ेंगे ही और जब छोड़ देंगे तो उसको लेंगे ही, लेकिन इस बीच हम सांसों को रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो इस अभ्यास से सांसों को रिटेन करने की जो कला है उसमें आप महारत हासिल करेंगे और सांसों को जब आप गहरी देर तक, लंबी देर तक रोकते हैं तो सांसों की गहराई भी बढ़ती है और उसकी गहराई यानी डेप्थ भी बढ़ती है और इससे आपके हार्ट और लंग्स का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होती है, शरीर की जो ब्लॉकेज है वो खुलती है जिससे प्राण का प्रवाह आपके पूरे शरीर पर अच्छी तरीके से हो सके। तभी तो ये अभ्यास जो है इतने असरदार होते हैं, है ना, वरना कोई जादू तो है नहीं। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे तक हर दिन 1 घंटे अभ्यास करवाया जाता है। और इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में सिखाया क्या जाता है, हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगिक क्रिया, डाइट के बारे में जानकारी आपको दी जाती है। साथ ही कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा ईजी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टिप्स जो आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। आज इन ऑनलाइन योग क्लासेस के माध्यम से मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनको अपनी निगरानी में योग का अभ्यास करती हूँ और उनको मदद करती हूँ उनकी हेल्थ कंडीशन से उभरने में। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग योगा प्रैक्टिशनर हैं फिर भी आपकी प्रैक्टिस को डीपन करने में ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगी। किसी कारण से अगर आप सुबह 7 बजे से 8 बजे क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं, योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स। इन कोर्सेज को परचेज करके आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप किसी भी वक्त, कहीं भी, कितनी भी बार अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर पे ही बैठे बैठे इन वीडियोस के माध्यम से हर दिन 1 घंटे का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। अगर और जानकारी चाहिए तो मेरी जो वेबसाइट है www.yogawithshahida.com, इस वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। या कि फिर वेबसाइट नहीं विजिट करनी तो यहाँ पर मैं एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रही हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक हाय लिख के भेज दीजिए या क्लासेस को ज्वाइन करना है ऐसे लिख के भेज दीजिए, आपको क्लास के बारे में सारी की सारी डिटेल्स भेज दी जाएगी। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको सिखाया कपोल शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास। अब इस अभ्यास से आपके चेहरे पर वो नेचुरली ग्लो आप देख सकते हैं, लेकिन अभ्यास देखिए निरंतर करना है। ये नहीं कि एक दिन अभ्यास किया दूसरे दिन इंतज़ार करने के लिए बैठ गए कि नेचुरल ग्लो क्यों नहीं आया।
आप खुद भी अभ्यास कीजिए, अपने घर परिवार वालों को भी खूब मोटिवेट कीजिए कि वो भी योग का अभ्यास करें, वो भी निरंतर। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, बेधड़क बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। मुझे बहुत खुशी होगी आप जब सजेस्ट करते हैं कोई टॉपिक और मैं उसमें वीडियो बनाती हूँ। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। जाने से पहले, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है मेरी पूरी उम्मीद है, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आपको लग रहा है कि इससे आपको फायदा मिलेगा, तो आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खूब शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। अगर आप अपना डाइजेशन बेहतर करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को भी जाके आप जरूर देखिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी। नमस्ते।